हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रा सिस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हीरो ने एक बहुत ही खूबसूरत बाइक लॉन्च किया है। ये भी गाड़ी का हॉर्न अभी बजाना था। हीरो ने एक बहुत ही खूबसूरत बाइक लॉन्च किया है, वो है 200 सेगमेंट का बाइक है और वो है एक्सट्रीम 200R। तो मुझे एक मौका मिला है इस गाड़ी को रिव्यू करने के लिए और इसका डिटेल्स जानने के लिए। पूरा वीडियो देखते रहिए और होपफुली मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये वीडियो ताकि छोटा रहे और इसका जो टेस्ट राइड का वीडियो रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको सेपरेट करके और एक दूसरा वीडियो बनाऊं। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूं चासमोड़ बोल के एक जगह है, वो नियर अबाउट 40 किलोमीटर यहाँ से है और गाड़ी का रेंज वो झारखंड एरिया में पड़ रहा है। तो गाड़ी का कॉस्ट वहाँ पर बहुत ही कम है इन कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। मैं कोशिश करूँगा उसका पूरा प्राइस डिटेल्स आप लोगों को देने के लिए। और वहाँ का मुझे असिस्ट कर रहा है मिस्टर राहुल बोल के, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इफ़ यू आर वेटिंग टू परचेज द बाइक, यू कैन कॉल हिम एंड ही विल असिस्ट विद एवरीथिंग। चलिए मिलते हैं। So starting from the face of the bike, we are having LED headlamp and LED DRL. उसके साथ ही हम लोग को मिल रहा है normal halogen bulb का side indicator. Overall गाड़ी का सामने का look हीरो ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है और ये देखने के लायक है। उसके साथ ही हम लोग को मिल रहा है 100x80 17 inches का tubeless tire in the front. गाड़ी का पूरा design aerodynamically है और diamond frame के ऊपर है और इससे आपको बहुत ही एक खूबसूरत फील मिलेगा। ABS एज अ सिंगल चैनल ABS एज अ स्टैंडर्ड वर्जन और उसके साथ ही हम लोग को मिल रहा है 276 mm का डिस्क ब्रेक। ओवरऑल हम लोगों को ब्रेकिंग में बहुत ही अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया है हीरो ने और फ्रंट सस्पेंशन है यहाँ पर टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक टाइप और उसका 37 mm डाया है और एंटी फ्रिक्शन बूस्ट के साथ आता है। यस, दिस इज अ 199.6 cc एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व सिंगल सिलेंडर विच कीप्स अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18.4 PS एट 8000 RPM एंड 17.1 Nm ऑफ टॉर्क एट 6500 RPM। We are having this one as a carburetor version with self and kickstart and the air filter is of viscous type. Rear we are having a 220 mm disc with 7-step adjustable monoshock suspension. The suspension is really very good and which gives a very good kick to this bike. और पीछे में हम लोगों को 130x70 17 इंचेस का ब्रॉड टायर ट्यूबलेस मिल जाता है। ट्यूबलेस टाइप ऑफ टायर हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है और पीछे में हम लोगों का 220 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है और पीछे का जो टेल लैंप है वो भी LED है और हम लोगों का साइड इंडिकेटर हैलोजन बल्ब का है और पूरा गाड़ी का फ्रेम हम लोगों का चेन टाइप में है और डायमंड चेच इसके ऊपर ये फ्रेम है जो एक बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन है हीरो का। ओवरऑल पूरा गाड़ी का लुक्स हमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है और सामने इंजन के नीचे हम लोग का और एक एक्स्ट्रा गार्ड मिल जाता है जो एक एरोडायनेमिकली काम करता है और ये इंजन को बहुत ही कूल रहने के लिए हेल्प करता है। सीट भी बहुत ही एग्रेसिव किया गया है और यहाँ पर इट गिव्स अ वेरी गुड होल्ड टू द पिलियन और जो भी पीछे में बैठ के जा रहा है वो ये जो बल्जिंग है उसके वजह से आगे पुश नहीं हो जाता है और ये टैंक पैडिंग भी बहुत कमाल का चीज है जो बहुत हेल्प करता है आपको लॉन्ग टूर पे। ओवरऑल गाड़ी कुछ ऐसा पीछे से आपको दिखाई दे रहा है और नाउ टू गुड, ये ना तो बहुत ही टाइट है ना तो बहुत ही लूज है और इसमें बैठ के आप लॉन्ग डिस्टेंस बहुत इजीली कर सकते हैं। हैंडल बार यहाँ पर आपको अपर डिपर का स्विच मिल जाता है और उसी स्विच में आपको पास लाइट भी मिल जाता है जो एक बहुत ही बढ़िया एंट्री है हीरो की तरफ से और उसके नीचे आपको
साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और ये भी बहुत अच्छा फंक्शन करता है। उसके नीचे आपका हॉर्न मिल जाता है और ये आपका चोक हो गया है। नेक्स्ट उस साइड पे आपको मिलेगा एक इंजन किल स्विच और उसके नीचे आपका सेल्फ स्टार्ट का बटन। और यहाँ पर आपको आपका क्लस्टर मीटर मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको एनालॉग टाइप आरपीएम मीटर है और फुल्ली डिजिटल आपका क्लस्टर मीटर है, जहाँ पर आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, वॉच सब कुछ एक साथ मिल जाता है। यहाँ पर एबीएस का सिग्नल है, उसके पास अपर डिपर का लाइट है, उसके बाद आपका टर्न इंडिकेटर है एंड देन कम्स द न्यूट्रल एंड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह है आपका साइड स्टैंड इंडिकेटर। सो यह है आपका टोटल क्लस्टर मीटर जो आपको सामने की तरफ दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो एज अ होल यहाँ पर आपको सब चीज़ें एक साथ यहाँ पर मिल जाएगा और इसके साथ ही आपको यहाँ पर दो स्विचेस ऑपरेटिंग के लिए दो स्विचेस दिया गया है, एक सेट और एक मोड। यहाँ पर आप इस दोनों स्विच के मदद से आप इसको पूरा क्लस्टर पैनल आपको यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। सो इसका पूरा डिटेल रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ, जिसमें मैं इसका टेस्ट राइड लेने वाला हूँ, इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव। तो उसी में आपको ये इस चीज़ का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। सो ओवरऑल गाड़ी ऐसे आपको कुछ दिखाई देगा और मेरे हाइट के हिसाब से मेरा पैर पूरा नीचे तक जा। इट फील्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल एंड फैबुलस टू राइड। आई होप ये लॉन्ग जर्नी में भी बहुत अच्छा आएगा। इसका हैंडल बार का पोजीशन भी बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस किया गया है ताकि आप बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं इस बाइक में। और ऊपर से 200 सीसी का बाइक है, ये आपको कुछ भी टेरेन में ले जाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉस्ट ऑफ द बाइक। इस गाड़ी का दाम है 1,10,000 रुपीज और गाड़ी तो आप लोग यहाँ पर सब कुछ देख ही लिए। मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी का टेस्ट राइड लेने के लिए एंड आई वॉन्ट टू टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ दिस बाइक। सो इस गाड़ी का अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ का सेल्स मैनेजर मिस्टर राहुल का फ़ोन नंबर वगैरह मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एंड विद दैट सेड गाइज, दिस इज इंद्रा सी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉस्मिक ट्यूब। हैव अ गुड डे, टिल देन हैव अ गुड राइड एंड डू नॉट फॉरगेट टू वेयर योर सीट बेल्ट एंड हेलमेट।